अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। मेरा नाम फजील रहमान है, आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। अमूमन लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं कि मैं किसी अपार्टमेंट, शॉप या ऑफिस मुझे ऑफर नहीं करें, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी वर्टिकल बिल्डिंग के अंदर, हाई राइज बिल्डिंग के अंदर प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा। उसकी वजह वो जो बताते हैं वो ये है कि जी ये प्रॉपर्टी जो है ये मेरे नाम पे नहीं होगी और मुझे ज़मीन नहीं मिलेगी और बिल्डिंग के अंदर कल को अगर ये बिल्डिंग नहीं रहती तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट हवा के अंदर है। इसके ऊपर मैं बहुत सी वीडियोस के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहले आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, pmsconnect.pk, जहाँ पर तमाम तर प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग के हवाले से आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम zameen.com के ऑथोराइज एफिलिएट हैं, बहरिया टाउन के ऑथोराइज डीलर हैं, न्यू लाहौर सिटी के ऑथोराइज डीलर हैं, और इसके अलावा हम पाकिस्तान के अंदर हाई राइज प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं। उनकी तफसीलात भी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, कॉमेंट्स करें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉमेंट्स, ताकि आपको इसका फीडबैक मिल चुका है, मैं फीडबैक आपको इसका प्रोवाइड कर सकूं। व्यूअर्स, ये जो टॉपिक है जिसके अंदर हम बहुत से लोग बात करते हैं कि मैं हाई राइज बिल्डिंग या वर्टिकल बिल्डिंग्स के अंदर प्रॉपर्टी इसलिए नहीं खरीदता कि मेरे पास ऑनरशिप नहीं रहेगी, लैंड की ऑनरशिप नहीं रहेगी और मेरी प्रॉपर्टी जो है वो हवा में है, कल को ये बिल्डिंग यहाँ पे नहीं होगी तो मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इसके ऊपर मैंने कम्प्रिहेंसिव एक वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं हमारे ब्लॉग के अंदर, और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर यूट्यूब की वीडियो का लिंक आपको दे देता हूँ कि वर्टिकल बिल्डिंग ऑनरशिप के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन मैंने एग्जाम्पल्स के साथ पुट की है कि ये किस तरह ट्रांसफर्स होती हैं, ये रजिस्ट्रीज भी होती हैं, ट्रांसफर्स भी होती हैं वर्टिकल बिल्डिंग्स के अंदर। और अगर आप एक डिनाइल मोड के अंदर हैं कि जिसके अंदर आप कहते हैं कि वर्टिकल बिल्डिंग के अंदर मुझे ऑनरशिप मिलेगी ही नहीं, तो ये शायद सिर्फ आपके दिमाग के अंदर ये बात हो, मगर हकीकत इस तरह नहीं है, हकीकत डिफरेंट है। आप हमारी उस वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूँ, और इसके अलावा हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmsconnect.pk, उसके अंदर जाके ब्लॉग के अंदर आप सर्च कर सकते हैं वर्टिकल बिल्डिंग ऑनरशिप, आपको ये वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी। तमाम तर तफसीलात आप वहां पे इसकी चेक कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप सही तरह फैसला कर सकेंगे कि आप अपार्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जमीन या मकान नहीं होती, बल्कि अपार्टमेंट भी प्रॉपर्टी होती है, शॉप भी प्रॉपर्टी होती है और ऑफिसेज भी प्रॉपर्टी होती है। व्यूअर्स, पूरी दुनिया के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, हम भी इस प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर आप देख रहे हैं हाई राइज वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं, दुबई के अंदर आप देख सकते हैं, कराची पूरा जो है वो वर्टिकल बिल्डिंग्स के अंदर है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन सारे लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो सब लोगों की इन्वेस्टमेंट हवा में है और उनके पास जमीन नहीं है। वीडियो वो जरूर देखिएगा, आपको उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपके जो कमेंट्स आएंगे उसके अंदर आप हमें ज़रूर बताएंगे किस तरह की वीडियोस होनी चाहिए और किन टॉपिक्स को आप पूछना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जब भी टाइम मिले मैं उसके ऊपर ज़रूर आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊं, ताकि ये जो एक रियल स्टेट की इंडस्ट्री है ये किसी न किसी तरीके से जो सीना बसीना इलम है ये थोड़ा सा कन्वर्ट हो गए। मेरा जो 9 साल का एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पे एक वीडियो पुटअप करता हूँ तो ये एक मेरी एफर्ट है, मगर उस वीडियो के ऊपर जब आप लोग कमेंट करते हैं तो ये आपकी तरफ से एफर्ट होती है, और एक वीडियो के नीचे अगर 100 कमेंट्स या 200 कमेंट्स हों तो रेस्ट एश्योर व्यूअर्स कि कोई भी ऐसा बंदा जो ये एक सदका जारी है, कल को जब वो कोई प्रॉपर्टी या इस तरह की किसी भी आप कह लें कि चीज में फंसा होगा तो वो जब इसको इंटरनेट पर सर्च करेगा तो उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा और वो किसी लॉस से बच सकता है। आपका लिखा हुआ एक एक कमेंट, आपके लिखा हुआ एक एक लफज, रेस्ट एश्योर कि ये मैनकाइंड के लिए एक खिदमत है और लोगों को ये एक अवेयरनेस देगा आने वाले वक्त में। आज नहीं, आज आप एक कमेंट करेंगे, मेरी वीडियो को देखने के बाद आपने एक कमेंट किया और वीडियो को कमेंट करने के बाद आप शायद उसको 2 घंटे बाद भूल गए, मगर ये चीज डॉक्यूमेंटेड हो गई है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये डॉक्यूमेंटेड चीज जो है, चाहे मैं रहूं ना रहूं, ये
سلسلہ چلتا رہے گا. یہ ایک علم ہے جو کہ ہم بانٹ رہے ہیں, اور آپ کی انپٹ اس لیے چاہیے کہ آپ کی جو سجیشن, جو گائیڈ لائن ہے, میں عقل کل نہیں ہوں, تھوڑی سی انپٹ آپ دیں, تھوڑی سی انپٹ میں دے رہا ہوں, اور ان کمنٹس اور ان یہ جو ایک ڈسکشن سٹارٹ ہوگی, یہ ڈسکشن ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی آنے والے لوگوں کے لیے, پراپرٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, تاکہ آج جہاں پہ ہم لوگوں نے جن پراپرٹیز کو خریدتے ہوئے لاسز کیے, یا ہمارے ساتھ مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس ہوئے, ان ایکسپیریمنٹس سے ہم آنے والے لوگوں کو بچا سکیں. امید کرتا ہوں ویورز آپ ضرور ویڈیو کو لائک کریں گے, سبسکرائب کریں گے, شیئر کریں گے, اور ہماری آفیشیل ویب سائٹ پہ وزٹ کریں گے. اگر آپ پراپرٹی کی بائنگ اور سیلنگ میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہم وی آر جسٹ اے کال اوے, اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. ڈسکرپشن میں لنک ضرور لے لیجئے گا, وہاں پہ آپ وہ ویڈیو کو مکمل دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ورٹیکل بلڈنگ کے اندر اونرشپ رائٹس پراپرٹی کے آپ کو ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ویورز, انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.